मंथिका अपनी शादी से ठीक दो दिन पहले दीपक से मिलने जाती है और दीपक कहता है, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी शादी होकर ही रहेगी, और देखो दो दिन बाद हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। अभी हमारी शादी में दो दिन है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया और हमारी शादी नहीं हो पाई तो मैं जिंदा नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। अरे मंतिका तुम इतना घबरा क्यों रही हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम यकीन करो मुझ पे, हमारी शादी होकर ही रहेगी, हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा है, जब से हम दोनों मिले हैं तब से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तब से ही चाहती थी कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन जब से हमारी शादी तय हुई है तब से पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा डर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे पता है तुम डर क्यों रही हो, जब शादी होती है ना तो ऐसे अजीब से ख्याल आते हैं मन में, लेकिन इन्हीं बातों को पकड़कर हम अपना खूबसूरत पल खराब नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो दीपक, मैं जितना डर रही हूँ उससे कहीं ज्यादा खुश भी तो हूँ ना कि अब हमारी शादी होने वाली है, मैं तो तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तुम मेरे बारे में सब जानती हो और जितना मुझे जानना चाहिए था उतना मैं जानता हूँ, तो इतना मत सोचो, और मुझे तुम किसी और बात से परेशान लग रही हो। नहीं मैं ठीक हूँ, बस हमारी शादी होने वाली है ना, शायद इसीलिए पता नहीं कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं, एक पल में रोने लग जाती हूँ और एक पल में बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती हूँ। दीपक मंतिका को गले लगा लेता है, तभी चांद की रोशनी मंतिका के शरीर पर पड़ती है और वो दीपक को खुद से दूर करते हुए कहती है, मुझे यहाँ से जाना है। अभी तो आए हैं हम, अचानक से क्या हो गया तुम्हें, थोड़ी देर में चलते हैं ना। नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस यहाँ से जाना है, मतलब यहाँ से जाना है। अच्छा ठीक है, तुम इतनी परेशान मत हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना तुम्हें। नहीं मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना, मैं अकेली भी जा सकती हूँ और मैं जा रही हूँ, तुम भी सीधा अपने घर चले जाना, हम बाद में बात करेंगे, अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहकर मंतिका वहाँ से चली जाती है, ये सब देखकर दीपक हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मंतिका को कुछ नहीं कहता और वो भी कुछ देर में वहाँ से अपने घर चला जाता है। मंतिका क्या है क्या नहीं ये सब दीपक को बिल्कुल भी नहीं पता था। दो दिन बाद मंतिका जिसे प्यार करती है उससे उसकी शादी हो रही थी, लेकिन तभी मंडप में एक अमन नाम का लड़का आता है और शादी को रोकते हुए अमन कहता है, ये शादी नहीं हो सकती मंतिका, तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दीपक मैं इसे नहीं जानती कि ये कौन है। मंतिका तुम झूठ क्यों बोल रही हो, तुम तो मुझसे प्रेम करती थी ना, फिर तुम ये झूठ क्यों बोल रही हो, देखो तुम्हारे प्रेम ने मुझे यहाँ तक ले आया। तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी नजर आ रही है, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। क्या दीपक मैं यहाँ ये बोल रही हूँ कि इस आदमी को यहाँ से निकालो और तुम होके इसे बात करने में लगे हो, अरे निकालो ना इसे, हमारी शादी में पता नहीं कहाँ से आ गया। मंतिका तुम ये सब क्यों कर रही हो, मुझे पता है कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, लेकिन ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारा प्रेमी या तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। दीपक अब अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और इसे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं ये शादी यही तोड़ दूंगी। अरे कोई भी आदमी यहाँ आकर कुछ भी बोल रहा है और तुम चुपचाप सुन रहे हो, जरा भी शर्म है या नहीं। माफ कर दो मंतिका तुम सही कह रही हो, रुको मैं इस आदमी को अभी निकालता हूँ। दीपक उस आदमी को वहाँ से निकाल देता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब दीपक आराम कर रहा होता है तो मंतिका नागिनी रूप में आ जाती है और अपनी शक्तियों की मदद से नागलोक में जाती है, जहां अमन को देखकर मंतिका उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। तुम जीवित हो, तुम्हें ऐसे जीवित देखकर मेरे प्राण में प्राण आ गए, किंतु अब तक तुम कहाँ थे, मैंने तो देखा था कि उसके परिवार वालों ने मिलकर तुम्हें मार दिया, फिर तुम जीवित कैसे। मंतिका मुझे मारने की कोशिश तो की गई थी, किंतु जिसके सर पर भोलेनाथ का हाथ हो भला उसे कौन मार सका है, यूं समझ लो भोलेनाथ ने ही मुझे बचाया है। और मेरे माता पिता उनका क्या हुआ, वो तो जीवित होंगे ना फिर तो। नहीं वो नहीं जीवित है, उनकी मृत्यु उसी समय हो गई थी। किंतु मंतिका तुम दूसरी शादी क्यों कर रही हो, तुम्हारा पति तो मैं हूँ ना, और मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी कर रही हो, इसका क्या अर्थ है। यहाँ अर्थ मेरे लिए व्यर्थ है, जो उन लोगों ने मेरे साथ किया है उनको उनके परिणाम का भुगतान तो करना ही पड़ेगा, और मैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचा कर ही रहूँगी, किंतु मुझे तुम्हें यूँ जीवित देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, और अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए वरना शक हो जाएगा किसी को भी।
मंतिका इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मंतिका का मकसद क्या था? मंतिका के नागिन रूप के बारे में दीपक और उसका परिवार बिल्कुल अनजान था। मंतिका धरती लोक जाकर अपने साधारण कपड़ों में आ जाती है और अपनी सास रमा के पैर छूती है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं वो सब कर पाऊँ जिसके लिए मैं इस घर में शादी कर आई हूँ। भगवान तुझे सारी बुरी बला और बुरी नजर से बचाए रखे और तू वो सब कर सके जो तू करना चाहती है, जिसके लिए तू इस घर में आई है। बहू, तुझे न ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी शादी के दिन हुआ वो सब एक सपना समझ के भूल जा। शादी विवाह में तो अक्सर ये सब होता ही रहता है। माँ जी, मैं भूलती नहीं हूँ कुछ भी, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ शादी करके, ताकि अपने मकसद को अच्छे से अंजाम दे पाऊँ। मकसद? कैसा मकसद? अरे यही कि मैं हमेशा आप लोगों को खुश रख सकूं, आप सबके चेहरे पर मुस्कान लाती रहूं। जिसकी इतनी प्यारी बहू हो वो भला उदास क्यों हो? बहू, तू सच में बहुत प्यारी है। मेरे बेटे की पसंद पे तो मुझे नाज है। ऐसी बहू भगवान सबको दे। रमा, दीपक और उसका पूरा परिवार ये तक नहीं जानते थे कि मंतिका एक इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक नागिन है। उसी दिन दीपक के चाचा चाची अचानक से मर जाते हैं। माँ, ये क्या हो रहा है? एक साथ दो दो जाने कैसे जा सकती है? पक्का कुछ बड़ा या भयानक होने वाला है। भगवान बस सबको बचा कर रखे। बड़ा बड़ा लेकिन क्या माँ, हमें कुछ होगा तो नहीं ना माँ? तू इन सब की चिंता मत कर, जा, जो भी होगा अब वो देखा जाएगा। रमा और उसका पूरा परिवार बहुत घबरा जाता है। दीपक अपनी कमरे में जाता है जहाँ मंतिका तैयार हो रही थी। दीपक उसकी कमर पर जैसे ही हाथ डालता है, तुरंत मंतिका अपने नागिन रूप में आ जाती है, जिसे देखकर दीपक बहुत घबरा जाता है और बोलता है, तुम एक नागिन हो? हाँ, मैं एक नागिन हूँ और मैं यहाँ तेरा और तेरे पूरे परिवार का खात्मा करने आई हूँ। लेकिन क्यों? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, और तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, तो तुम मुझे मार कैसे सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, फिर तुम मुझे मारो मत मारो मुझे। पति? कौन सा पति? तुमसे मेरी दूसरी शादी हुई है और पहली शादी के होते हुए दूसरी शादी नहीं हो सकती है। इसका मतलब उस दिन शादी में वो आदमी सच कह रहा था कि ये तुम्हारी दूसरी शादी है? हाँ, वो बिल्कुल सच कह रहे थे, क्योंकि मेरी पहली शादी तो उनसे ही हुई है और वो मेरे पति हैं, और उन्हें ही तूने और तेरे परिवार ने मिलकर मारने की कोशिश की थी ना? क्या कोशिश की मारने की? लेकिन कब? हमने किसी को नहीं मारा। बड़ी जल्दी भूल गया तू ये सब। एक साल पहले मेरे माँ बाप और मेरे पति को मारा था ना, वो नाग नागिन थे। एक मणि के चक्कर में उनकी हत्या कर दी थी तुमने। आज मैं तुम्हारी हत्या करूँगी, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी। इतना कहकर मंतिका दीपक को मार देती है और उसके बाद उसके पूरे परिवार को भी खत्म कर देती है और वापस से अपनी पहली शादी अपने पहले पति के पास नागलोक चली जाती है।